अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। जी आयानु सत बिस्मिल्लाह पखैर रागले। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं NH गाजी 2010 का मॉडल है। ये ट्रैक्टर आपको बैकग्राउंड पर नज़र आ रहा होगा। मैं इसका रिव्यू करता हूँ और इसके आपको प्राइस बताता हूँ। और इस ट्रैक्टर को अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको नंबर भी स्क्रीन पर शो कर दूँगा और वहाँ पर आपको कीमत भी बता दूँगा। तो शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर का रिव्यू। ये ट्रैक्टर आपके सामने 2010 का मॉडल NH गाजी 65 हॉर्स पावर और 3 सिलेंडर के साथ। ट्रैक्टर जो है नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल जिस तरह एक होते हैं आउट क्लास ट्रैक्टर होते हैं वैसे तो नहीं है। बहरहाल मैं इस ट्रैक्टर के सबसे पहले फ्रंट से जो है इसका रिव्यू स्टार्ट कर लेता हूं। तो ये ट्रैक्टर की आप लोग फ्रंट से लुक देख सकते हो। फ्रंट में सबसे पहले हम ट्रैक्टर के टायर्स की बात करें तो 50-50 कंडीशन है। रिम अपना रिम तो हम खैर इधर से देख लेते हैं। ये रिम की कंडीशन आपके सामने है। स्पिंडल जो है ट्रैक्टर के ठीक हैं, कहीं से टूटे हुए नहीं है। उसके बाद जो है हम ट्रैक्टर की ये फ्रंट जाली की बात करें जिसके ऊपर ये जो कलर है इसका जैनवान है, लेकिन ऊपर ये तेज़ाब वगैरह के निशानात हैं। ये सारा आप लोग जो इस ट्रैक्टर की ये जाली वगैरह देख सकते हो। लाइट जो है इनकी कंडीशन भी थोड़ी सी बैड हुआ पड़ी है। तो ट्रैक्टर की हम चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड से पूरे ट्रैक्टर की आप लोग लुक देख सकते हो। ये ट्रैक्टर की पूरी लेफ़्ट साइड आपने देख ली। और अब जो है हम इस ट्रैक्टर की मज़ीद जो है लेफ़्ट साइड में ट्रैक्टर का ऊपर से शो देख लेते हो। ये लेफ़्ट साइड में ट्रैक्टर का आप लोग जो है ऊपर से शो वगैरह देख सकते हो। तो कंडीशन ट्रैक्टर की ऊपर से खैर शो ट्रैक्टर का हमें ठीक मिल रहा है। ये डीजल टैंक वाले एरिया कुछ स्क्रैचेज़ हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये ऊपर से हमने ट्रैक्टर को देख लिया, नीचे से भी हम ट्रैक्टर को देखते हैं। इसमें हमें पावर स्टेयरिंग 65 हॉर्स पावर और 3 सिलेंडर मिलते हैं। तो ये ट्रैक्टर का सारा आप लोग जो है नीचे से इसकी कंडीशन वगैरह देख सकते हो। अब जो हम ट्रैक्टर का ये गेयर बॉक्स वाला एरिया देख लेते हैं, असम्बली वगैरह। तो यहाँ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैठ बयान कर सकूँ। ट्रैक्टर की मोटी गार्ड की किनारियों से कलर वगैरह उतरा हुआ है। पिछले टायर आपको न्यू डलवाने पड़ेंगे, इनकी कंडीशन बैड है। रिम वगैरह कहीं से टूटे हुए नहीं है। बाकी मोटी गार्ड के ऊपर जितना भी आपको कलर नज़र आ रहा है इसका जैनवान है। तो अब हम ट्रैक्टर की देख लेते हैं बैक साइड। सो मैं ट्रैक्टर की बैक साइड में आ गया हूँ। तो बैक साइड से आप मोटी गार्ड वगैरह इसके देख सकते हो। उसके बाद जो है इस तरफ वाला मोटी गार्ड भी आप लोग देख सकते हो। और बैक साइड में हम ट्रैक्टर के हांडे ट्यूबों की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रैक्टर की हांडे ट्यूबें नहीं टूटी हुई। यहाँ से कोई सील लीक है, ये थोड़ा सा जो है एल जो है इसका यहाँ से निकल रहा है। बाकी कोई चीज़ नीचे से जो है ट्रैक्टर की ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे हांडे ट्यूबें होते हैं टूटे हुए होते हैं। यहाँ से मोटी गार्ड थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर से मोटी गार्ड आप लोग देख सकते हो। तो अब हम ट्रैक्टर की राइट साइड देख लेते हैं। तो ये राइट साइड से पूरे ट्रैक्टर की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड और लेफ्ट दोनों साइड टायर की कंडीशन बैड, आपको न्यू डलवाने पड़ेंगे। ये देखें साइड से जो है इनकी कंडीशन बैड है। मोटी गार्ड वगैरह के ऊपर जो भी कलर है इसका जैनवन है। और राइट साइड में जो ट्रैक्टर का ऊपर से आपको कलर नज़र आ रहा है ये भी इस ट्रैक्टर का जैनवन कलर है। आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट नहीं किया गया। नीचे से आप देख सकते हो कुछ एरिया से कलर जो है ट्रैक्टर का उतरा हुआ ज़रूर है, लेकिन ट्रैक्टर नीचे से कहीं से कोई लीकेज मुझे नज़र नहीं आ रही, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो अब इस ट्रैक्टर की हम प्राइस की बात करते हैं और मैं आपको जो है इसका रابطہ नंबर भी बताता हूँ। लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको जो है रहीम यार खान की इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है, ठीक है। रहीम यार खान की इस ट्रैक्टर में रजिस्ट्रेशन है 2010 मॉडल का। इस ट्रैक्टर की प्राइस है 7,30,000, ठीक है। रहीम यार खान की इसमें रजिस्ट्रेशन है, 7,30,000 इसकी कीमत है। ख़रीदने के लिए जो वीडियो के आगे आपको नंबर शोर है आप लोग इस पर रابطہ कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारा शोरूम वसीम मोटर्स को विज़िट करना चाहते हो तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। वसीम मोटर्स, दरिया खान, दुल्लेवाला रोड, काठ मोड़, ज़िला बकर, ठीक है। काठ मोड़ जो है ये जगह का नाम है और हमारी जो सिटी है वो बकर है। तो ये हमारा एड्रेस था। अगर आज के रिव्यू आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना। अब अपने होस्ट जवार अवान को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब पाकिस्तान में पहली मर्तबा वाहिद ही वो वेबसाइट जहां पर आप अपने लिए ट्रैक्टर बाय कर सकते हैं या अपने ट्रैक्टर सेल करने का एड लगा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए zawartractors.com।